शेष नागिक छत्रसाय में भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान रहते हैं और शेष नागिकी सैया पे 24 घंटा विष्णु और लक्ष्मी जी सोते हैं। 24 घंटा उसी का आसन शेष नागी है और छत्र भी वही है और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नाग है और नाग है वहाँ लक्ष्मी है। और सभी के फसल की खेत की और धन की लक्ष्मी की रक्षा नाग या साफ करते हैं और किसी का गड्ढा हुआ धन है तो वो कोई लेने की कोशिश नहीं करता इसलिए कि उसके मालिक के बिना किसी को गड्ढा हुआ धन भी लेने के लिए लेने नहीं देते ना गया सा उसके मालिक को ही लेने देते तो कोई दूसरा हाथ लगाने की कोशिश नहीं करता। और तम्बाकू के खेत में कभी नाग या सांप नहीं रहते। आप तम्बाकू से लेके हर प्रकार का नशीली चीजों का सेवन करते हैं तो आपको नाग दोष सांप दोष लग जाता है तो उसकी वजह से आपकी जेब में टिका हुआ धन है कमाई हुई लक्ष्मी है वो भी चली जाती है। तो आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपकी जेब में या आपके शरीर के अंदर नशीली चीज कोई भी नहीं देनी चाहिए। आप ही सोच लो आपको नशा रखना है या लक्ष्मी को रखना है दोनों के एक ही आपके जेब में रह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये धरती माँ है। धरती माँ को एक दाना देते हैं तो वो 1000 दाना देती है और उसके ऊपर 1 रुपया लगा के धंधे करते तो 1 रुपये का 1.25 रुपये करके वो लक्ष्मी माँ दे धरती माँ दे रही है। वो अपना सोच सारे वो झेलती है फिर भी हम उसके दिए हुए 1000 दाने और रुपये के 1.25 रुपये के अंदर से धंधे को 1 रुपया देने की जगह या धरती माँ को 1 दाना देने की जगह हम उन्हीं चीजों का इन्हीं रुपयों का इन्हों पैसों का आप थूकने फूकने और पी के निकालने का धंधा करते हैं तो वो आपको टमाचा नहीं मारेगी तो क्या करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपको 1 रुपये का 1.25 रुपये चाहिए या 1 दाना का 1000 दाना चाहिए या फिर उसका तमाचा चाहिए आपको उसका जो 1 दाना का 1000 दाना चाहिए रुपये का 1.25 रुपये चाहिए इसमें आप नशा पता से मुक्त हो जाइए तो आप हमेशा आपको बरकत मिलेगी। वो हमेशा रुपये का 1.25 रुपये और 1 दाना का 1000 दाना करके देगी। नशा पता से मुक्त हो। और दूसरी एक बात ये कहते हैं कि एक एक कक्षा पढ़ने से विद्वान बना जाता है और एक एक रुपया बचाने से धनवान बना जाता है। मैं या कोई भगवान आके धनवान आपको नहीं बनाएगा लेकिन आप रुपया बचाओगे तो ही धनवान बनोगे। ये अभी का जो जमाना फास्ट है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें समय मुताबिक अपने में अपनी जो विद्या कला कौशल है
विद्यता प्रदान करनी चाहिए और हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और साथ साथ में रुपया बचाओगे नहीं तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रुपया बचाने के लिए आप शाम को बैठ के एक माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो दो चीज के अंदर आपके फिजूल खर्च ज़्यादा होते हैं, एक तो फैशन और नशा। और हम चाहते हैं सब लोग धनवान बने, इसलिए फैशन और नशा छोड़िए आप धनवान बन जाओ। जय गिरनारी, जय बोले, जय बोले।